है। चलो आज हम गरम गरम मूंगफली का भी टेस्ट लेते हैं और थोड़ी राजनीति की बातें कर लेते हैं। सर, इस क्षेत्र में 3 विधायक रहे हुए हैं, आप आने वाले समय में अपना विधायक किसको चुनोगे? राम सिंह नेता को, बेधड़क राम सिंह नेता जी। इसके बाद राम सिंह नेता जी, राम सिंह नेता जी, राम सिंह नेता का नारा लगा दो। क्षेत्र में 3 विधायक रहे हुए हैं, आने वाले समय में आप किसको अपना विधायक चुनना चाहते हो? तो इस क्षेत्र के लिए राम सिंह एक नंबर आदमी है, एक नंबर आदमी है। और आप क्या कहना चाहोगे? राम सिंह नेता जी के लिए। राम सिंह नेता जी, क्यों आप? राम सिंह नेता जी, क्यों? राम सिंह ने, राम सिंह जी सबसे ज्यादा, राम सिंह जी गरीब सब लोग। तांस का खेल चल रहा है, बड़े बुजुर्ग एंजॉय कर रहे हैं। चलो थोड़ी राजनीति की भी बात कर लिया जाए। बहुत सेवा करते हैं क्षेत्र में, उन्होंने बहुत विकास काम किया है, हर मदद करने को तैयार रहते हैं। राम सिंह नरेंद्र शर्मा जी जैसा विधायक गंदा कोई विधायक नहीं। गरम गरम पकोड़े बन रहे हैं और सर्दी का मौसम है, चलो कुछ थोड़ी राजनीति की बातें की जाए। इस क्षेत्र में 3 विधायक रहे हैं, आने वाले समय में आप क्या चाहते हो? आपके साथ कौन सा विधायक जुड़े? राम सिंह। 3 विधायक रहे हैं, आने वाले समय में आप किसको अपना विधायक चुनना? राम सिंह नेता जी को। राम सिंह नेता जी, आपने देखा सबसे ज्यादा यहाँ पे पसंद किया गया है राम सिंह नेता को। सर, इस क्षेत्र में 3 विधायक रहे हुए हैं, आने वाले समय में आप अपना विधायक किसे चुनोगे? राम सिंह नेता को। सर, सर आओ, वहाँ बोलवा ले आओ, सबके लिए बढ़िया। सर आप बताओ, हमारे लिए सब एक थे, सब एक ही है, हमारे लिए तो सभी एक थे। आने वाले टाइम में आप किसे चाहोगे कि राम सिंह नेता है, रामवीर विधोड़ी या नारायण दत्त? राम सिंह ही आने चाहिए। राम सिंह आएगा। और कौन आएगा? राम सिंह। राम सिंह, राम सिंह बेटा। अच्छा, राम सिंह का मतलब ये क्यों आएगा? आएगा, बढ़िया काम करता है। जैसे कि क्या काम किया है? सारे समझ पानी पिलाता है और लोगों को सहायता करता है, सब कुछ करता है। सहायता मतलब कि जनता के बीच में रह के करते हैं। इस क्षेत्र में 3 विधायक रहे हैं, आने वाले समय में आप अपना विधायक किसको चुनेंगे? राम सिंह। हाँ, जरूर चुने। राम सिंह को, राम सिंह को चुने। राम सिंह को क्यों नहीं? रामदेव को क्यों नहीं? सब काम करने बच्चा किया है तो वही है। आपको क्या लगता है, तीनों में से किसने सबसे ज्यादा फुल सपोर्ट सहायता की है जनता? सहायता राम सिंह। राम सिंह, राम सिंह जी, राम सिंह ने, राम सिंह जी सबसे ज्यादा, राम सिंह जी गरीब सब लोग है। चलो आज हम गरम गरम मूंगफली का भी टेस्ट लेते हैं और थोड़ी राजनीति की बातें कर लेते हैं। सर, इस क्षेत्र में 3 विधायक रहे हुए हैं, आप आने वाले समय में अपना विधायक किसको चुनोगे? राम सिंह नेता को। राम सिंह नेता को क्यों चुनोगे? क्यों, अच्छा आदमी चुनेंगे भाई? नहीं, अच्छा उन्होंने क्या कार्य किया? अरे बहुत विकास किया, बहुत ही विकास। एक विकास बताओ। अरे बहुत सारे रोड सब बनवाए, सब कुछ विकास उसी ने करा है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं चाहते हो? हैं, और जैसे ये 3 विधायक रहे हुए हैं, आने वाले समय में आप अपने विधायक किसको चुनना चाहते हैं? हम तो राम सिंह नेता को शुरू से ही वोट देते हैं और देते रहेंगे। अच्छा, ये सारे काम उन्होंने करवाए, सीओई वो डलवाते हैं हमारे यहाँ पे। नारायण शर्मा और ये राम जी कुछ नहीं करते, तो इनके यहाँ पे जाते हैं तो सीधा कह देते हैं जी वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उधर उधर भेजते रहते, कुछ काम नहीं करते। सांसद के पास जाओ, वहाँ जाओ, ये सब कहते हैं। राम सिंह ने फुल सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट दिया जी हमें, हमें अभी भी सपोर्ट करते हैं। अगर अब भी जाते हैं ना तो अभी भी क्या कहते हैं, जो भी हमारा काम होता है वो कर देते हैं काम, बेधड़क राम सिंह नेता जी। इसके बाद राम सिंह नेता जी, राम सिंह नेता जी, राम सिंह नेता का नारा लगा दो। राम सिंह नेता, राम सिंह नेता जी की जय। सर, इस क्षेत्र में 3 विधायक रहे हुए हैं, नारायण दत्त शर्मा, रामवीर और राम सिंह नेता। हाँ। तो आप किसको अपना वोट? किसी नए चेहरे को मौका देना चाहेंगे जो हमारे लिए काम करे, पब्लिक के लिए काम करे, ऐसे व्यक्ति को जो अपना प्रतिनिधि चुनना पसंद करेंगे। नहीं, इनके चेहरे से या इनके काम से हम बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, तो बहुत ज्यादा संतुष्ट भी नहीं है, लेकिन नए लोगों को मौका देंगे तो नए आइडिया लेकर के आएंगे, नए काम लेकर के आएंगे, लेकिन पुराने चेहरे पे हम बार बार
उन्हीं को पसंद करते रहेंगे तो उनसे हमारे जो हमें हमारे विकास के बारे में बता नहीं पाएंगे। नेताजी और एनडी शर्मा पब्लिक के बीच में रहे हैं यार, पहले मुलाकात होती रही है। हाँ हाँ, विधायकों में आप किसको ज्यादा लाइक करते हैं? राम सिंह नेता। राम सिंह नेता जी, राम सिंह नेता तीनों अच्छे। हाँ हाँ, राम सिंह नेता बढ़िया। गरम गरम पकोड़े बन रहे हैं और सर्दी का मौसम है, चलो कुछ थोड़ी राजनीति की बातें की जाए। माता जी, इस क्षेत्र में 3 विधायक रहे हुए हैं, आप अपना विधायक किसे चुनोगे आने वाले टाइम में? इस क्षेत्र में 3 विधायक रहे हैं, आने वाले समय में आप क्या चाहते हो, आपके साथ कौन सा विधायक जुड़े? राम सिंह नेता जी। राम सिंह नेता जी, और मतलब क्यों जुड़ना चाहते हैं? जो होगा वो हमारी सब सेवा करते हैं, कभी जरूरत पड़े पानी देते हैं, ब्याह शादी लड़कियों की सेवा करते हैं, जैसे ये सहायता करते हैं जनता के बीच में भी आगे करते हैं। हाँ, सबके साथ करते हो तो जनता के बीच में भी करते हैं। जो आने वाले समय में आप उन्हें देखना चाहते हैं? हाँ, उन्हीं को देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र में 3 विधायक रहे हैं, आने वाले समय में आप किसको अपना विधायक चुनना चाहोगे? हमें सुविधा तो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, अरविंद केजरीवाल के कोई विधायक जो लड़ेंगे किस पार्टी से उसी को आप वोट देंगे? हमें सुविधा जो मिल रही है, जहाँ से हमें सुविधा मिलता है वही सही है। देखना चाह रहा। अच्छा, राम सिंह नेता जी ने काम किया क्या क्षेत्र में? नहीं किया। रामवीर सिंह मिदुड़ी ने? नहीं किया। और नरेंद्र शर्मा जी ने? कुछ किया। अच्छा ठीक है सर, कुछ किया सरकार, हमारी भारतीय जनता सरकार ने बहुत कुछ करके दिखाया। अपनी अपनी जगह पे सभी सही कर रहे हैं काम। तो आने वाले टाइम में आप किसको चाहते हैं? अभी आने वाले क्या है, नरेंद्र प्रिय है। सिंह नेताजी पहले विधायक रहे, उनके द्वारा काम हुए क्या क्षेत्र में? हाँ, उनका भी हुआ, उनका भी हुआ अपने, उन्हें भी अच्छा काम किया है। ये भी सही कर रहे हैं राम सिंह। राम सिंह अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, नेताजी की बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं काम। गरीब गुनिया है, वैसे हैं, सब बात की सहायता करते हैं, वो लोग अच्छे हैं जी, सही काम कर। हाँ, अच्छा करते हैं काम, बहुत सेवा करते हैं क्षेत्र में, बहुत विकास काम किया है, हर मदद करने को तैयार रहते हैं। राम सिंह, नरेंद्र शर्मा जी इन जैसा विधायक गंदा कोई विधायक नहीं। तो आने वाले टाइम में आने वाले टाइम पे वोट उसी मिलेंगे, राम सिंह जी आपकी वोट। हाँ, उसी को। थोड़ा सा आ जाओगे, तबीयत खराब है क्या? एक मिनट के लिए जरा सब सही से सर बताएंगे कौन से विधायक? राम सिंह। राम सिंह ने काम किए क्या क्षेत्र में? हाँ, उनके किए हुए हैं ज्यादातर काम। कोई एक काम जैसे कि क्या काम? सारे ट्यूबवेल लगाना, यहाँ जितने भी पहले रोड बनवाए, ये पूरा ये चाहते हो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ हूँ। हाँ जी सर, इस क्षेत्र में 3 विधायक रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप किसको अपना विधायक चुनना चाहोगे? इस टाइम पर जैसा समय आएगा अभी बताएंगे, क्या समय बताएगा, अभी क्या बदलाव आता है उस टाइम पर पता चलेगा। तो अभी पहले बताएंगे किसको चाहेंगे, किसको नहीं चाहेंगे। अभी तीनों विधायक, तीन विधायक रहे हैं यहाँ, सबसे अच्छा काम कौन से विधायक ने कराया है? हमारे इस इलाके में सबसे विधायक राम सिंह नेता ने कराया है। अच्छा, अभी तक नेताजी ने सबसे अच्छा काम। हाँ, जो कि यहाँ कुछ नहीं था, सुअर ही सुअर थे, जो कि जो आज बैठे हैं उनकी बदौलत बैठे हैं इसी जगह पे। और बाकी किसी ने हमारे इस इलाके में, एक खजूर वाले रोड के इस इलाके में किसी ने एक ईंट और एक रोड ही तक नहीं लगाई अभी तक। यहाँ निगम पार्षद से आप कितने संतुष्ट होंगे काम से? साफ सफाई की निगम पार्षद जी, जो अब इसी टाइम पे है निगम पार्षद जी, है उनके तो इतने पसंद है कि अभी तक हम तो किसी का काम ही नहीं जानते। अच्छा, आते हैं क्षेत्र में? हमने कभी देख सकल ही नहीं देखी उनकी। राम सिंह जैसे कि उनके काम आराम से मिले, उन्होंने बड़े बूढ़ों के लिए बहुत कुछ करा है, उनको सम्मान दिया है, सामने आए हैं तो उनको किसी भी काम के लिए निकाह नहीं करना आने वाले टाइम। हाँ, उन्होंने उनको आदर से बिठाया, सब काम करे उनके लिए, पेंशन का भी, हर चीज का काम करा है। हर आदमी एक बराबर है। देखो जी, काम प्यारा है, काम प्यारा नहीं है, जो आदमी काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। अभी जो सरकार है उसने काम किए हैं? काम किए हैं उसने, लोगों की समझ में नहीं आया उसका काम, जो ये दंगाए भड़क रहे हैं ये वो है, या तो लोगों की समझ में वो नहीं आया जो बिल पास किया उन्होंने,
या जनता गुमराह हो रही है, तो ही कारण है। अच्छा यार राम सिंह नेता जी पहले विधायक रहे हैं यहाँ से, वो तो दो बार रह गया, दो बार रहे विधायक, उन्होंने काम किया क्या यहाँ पे? ऐसा ही है, जो करता है वो दोबारा फिर आ जाता है, बात है क्यों नहीं है, जो काम नहीं करता वो नहीं आता दोबारा। अभी वाले सही काम कर रहे हैं? अभी अब वाले सही काम कर रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में आप किसको चुनना चाहोगे एमएलए इधर बदरपुर का? एमएलए बदरपुर का जो काम करेगा किसी भी पार्टी का। तीन विधायक रहे हुए, आने वाले समय में आप किसको अपना विधायक चुनना चाहते हैं? राम सिंह नेता जी को। राम सिंह नेता जी क्यों चुनना चाहते हैं? क्योंकि उसने सब सुविधा उसी ने करी है, कोई वो नहीं करता, सब ने धोखा दिया मगर उसने धोखा कभी नहीं दिया हमें। हाँ उसी की प्रधानी है, वही कर सब कुछ रहते हैं, हमेशा नेता जी आते रहते हैं। बिल्कुल, लोगों के बीच में कोई कहता है कब वहाँ जाना तो फौरन आते हैं। हाँ राम सिंह जी का सबसे अच्छा काम था, उनके पास कोई भी आदमी जाएगा ना किसी काम के लिए तो किसी काम के लिए मना नहीं करते, जनता के बीच में रह के काम। हाँ जनता के बीच में रह के काम। आने वाले समय में आप उनको ही चाहते हो विधायक? हाँ जी हम तो चाहते हैं आने वाले टाइम में वो आपके साथ रहे। मैं कच्ची कॉलोनी थी, पक्की कॉलोनी बना दी, साथ बटा पर निकला भी नहीं जाता था, गरीब आदमियों के लिए इतना कर दिया उन्होंने को कोई कर नहीं सकता कोई नेता। फुल सपोर्ट? हाँ फुल सपोर्ट है जी, पूरी गली में कीचड़ भरी रहती थी, निकलने के लिए जगह भी नहीं थी यहाँ पे, उन्हीं की मेहरबानी है। आने वाले समय में आप उन्हीं को वोट देंगे? हाँ जी उन्हीं को देंगे हम तो वोट, उनको शुरू से ही देते आ रहे हैं, चाहे हारो चाहे जीतो जी हम तो उन्हीं को देते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में तीन विधायक रहे हुए हैं, आने वाले समय में आप किसको अपना विधायक चुनना चाहते हो? तो इस क्षेत्र के लिए राम सिंह एक नंबर आदमी है, एक नंबर आदमी है, गरीबों के लिए वैसे भी कोई जाता है सबको सुनते हैं, सबको जाकर कोई वैसे भी चला जा रहा है उसकी मदद करते खुल के मदद करते हैं। आपका वोट राम सिंह नेता वही जाएगा हमारा तो। और आप क्या कहना चाहोगे? राम सिंह नेताजी के लिए। राम सिंह नेताजी क्यों? आप राम सिंह नेताजी क्यों? राम सिंह नेताजी अच्छा काम करते हैं, पानी की सुविधा देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सारी सुविधा देते हैं। एंडी शर्मा ये विधोड़ी जी क्यों नहीं? रामवीर विधोड़ी जी तो मिलने के लिए राजी नहीं होते हैं, अंदर बैठे रहते हैं और बाहर हम लोग खड़े रहते हैं, है जी आते ही नहीं है जी, जनता के बीच में ही नहीं आते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और राम सिंह नेता? राम सिंह नेता जी आधी रात पे खड़े हैं हमारे लिए। राम सिंह नेता को? राम सिंह नेता को। और ये नारायण दत्त है, इनको क्यों नहीं? वो उस बारे में नहीं जानता, उस बारे में मेरे संपर्क। आप बताओ सर किसको अपना विधायक चुनोगे? हम देखिए जी हम तो 15 साल से राम सिंह नेता जी के साथ ही हैं और मैं इस यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, आजाद बारबर यूनियन का, और जब से ही हम राम सिंह नेता जी के साथ ही हैं और अभी भी साथ ही रहेंगे। और जैसे ये है नारायण दत्त शर्मा जी के पास हम दो बार हमारे काम के लिए गए थे, हमारी गली के काम के लिए गए थे, लेकिन दोनों बारों में उसने नेगलेक्ट कर दिया। और राम सिंह विधोड़ी के बारे में क्या कहना चाहोगे? विधोड़ी से तो कभी संपर्क हुआ नहीं हमारा, लेकिन राम सिंह जी के पास जब भी गए फुल हेल्प। हाँ बिल्कुल फुल हेल्प।